जिंदगी की राहों में हर मोड़ पे नया सफर है, खुशियाँ मिलेंगी कम भी, हर पल एक नया कर्म है। जिंदगी ने मुझे एक ऐसा लम्हा दिया जो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन क्या था वो जाने के लिए मैं अपने सफर पे ले चलता हूँ मुक्तिनाथ लवर मुस्तांग। तो चलिए जानते हैं मुक्तिनाथ के बारे में। मुक्तिनाथ लोअर मुस्तांग नेपाल का एक रोचक स्थल है जहाँ धर्म, इतिहास और प्रकृति का संगम होता है। ये जगह हिंदुओं और बौद्धिस्ट के लिए पवित्र मानी जाती है। पर्यटक इस जगह का अध्ययन करने के लिए आते हैं और अत्याधुनिक अनुभव प्राप्त करते हैं। ये एक ऐसा स्थल है जहाँ मनुष्य अपनी आत्मा को शांति और प्रकाश की खोज में जाता है। इन सब की शुरुआत होती है एक टेक्स्ट से। ये है विवेक भाई फ्रॉम नेपाल। हमें मिल गए हैं कुछ नेपाली भाई, ये भी बाइकर्स हैं। लास्ट 6 मंथ पहले काठमांडू जाते वक्त इनसे मिला था और इनके साथ एक अपना पंसा हो गया था। 15 मार्च को मुझे एक टेक्स्ट रिसीव होता है विवेक भाई की तरफ से, और रिप्लाई में मैंने कहा अगर ये बात है तो भाई का प्रॉमिस है, बताओ कब आओ नेपाल। मेरे घर से नेपाल बॉर्डर 750 किलोमीटर के लगभग पड़ता है, तो कुछ ऐसे स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी नेपाल। मैं जिस चीज के लिए वेट कर रहा था, ये आ गया मेरे हाथ पे। ये मेरे को वेट कर रहा है पिछले 2 दिन तक, मेरी ट्रिप इसी की वजह से डिले हुई है। अनबॉक्सिंग करके दिखा था, इसके अंदर था क्या। दिस इज जीवी टाइम बैग, द मॉडल नंबर वाज ST611B। अभी बैग के साथ क्या इश्यू था मैं आपको बताता हूँ। सो मेरे लास्ट नेपाल वाले राइड पे ना, ये साइड का जो जिप है ना, ये जिप में थोड़ा इश्यू आ रहा था। इसकी 2 ईयर्स की ब्रांड वारंटी होती है, तो मेरा बैग जस्ट 8 या 9 मंथ से ही ओल्ड था जब ये इशू मैं फेस कर रहा था। बट लास्ट टाइम जब मैंने सुपर मोटो आउटफिट था जहाँ से मैंने ये बैग ऑर्डर करा है वहाँ पे मैंने कंप्लेन करा था, तो उन्होंने बोला था कि अगर मैं वारंटी क्लेम करता हूँ तो मेरे को इंस्टेंट ये मिलेगा नहीं, 15 to 20 days तो मिनिमम लगते ही है प्रोसेसिंग में। और बैग आते आते 1 से 1.5 मैंने पूरा का पूरा मेरे को ब्रांड न्यू बैग मिलेगा इस। तो अभी वक्त हो रहा है अराउंड 1:37 और हम वेट कर रहे हैं सुबह होने का, और उसके बाद बस स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। कहाँ के लिए? फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जो कि है सौरभ का, वो है नेपाल। सो मैंने अपनी बाइक डाली अंदर और अभी सौरभ का बाइक जाएगा अंदर। सुबह 5:30 पे स्टार्ट करते हैं, अप्रॉक्स 700+ किलोमीटर का हमारा जर्नी रहेगा, तब सुबह होने का वेट करते हैं और बस स्टार्ट करते हैं अपनी राइड महादेव के नाम लेकर, हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी वक्त कितना हो रहा है पता है? 8:30 और इधर बाइक हो रही है कोल्ड स्टार्ट और अंकल से मिलिए। फर्स्ट टाइम सौरभ के साथ राइड नहीं करा है, इसके पहले भी एक छोटा सा हमने KTM Pro XP का अर्बन स्केप राइड हमने करा था, तो सौरभ के साथ राइडिंग जो कोऑर्डिनेशन थी वो बड़ी सही थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? बटरफ्लाइज तो आ ही रहा है और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। सौरभ KTM फैमिली के साथ ऐड हो रहा है, ओके। और ये वो जो कैप है KTM Pro XP कैप, ये मैंने वो KTM Pro XP के जितने भी लीड्स होते हैं ना, वो लोग जो कॉन्टेस्ट थ्रो करते हैं ना, मैं उसमें ये कैप मैंने ओन करा था। सो मैं ये सौरभ को स्पेशली मैं अपने साइड से मैं फर्स्ट ये कैप मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि वो ऑरेंज फैमिली में आ चुका है, और ये एक छोटा सा जेस्चर मेरे तरफ से। सो गाइज विदाउट डिले फटाफट निकलते हैं। पहुंच चुके हैं आजाद हिंद ढाबा। और भाई की हालचाल? सुपर व्यू मोड में कर रखा हूँ कैमरा का लेंस, इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड दिख रहे हैं हम लोग। सो गाइस ब्रेकफास्ट में क्या किए वो तो हमने दिखाई नहीं, बट हाँ आफ्टर ब्रेकफास्ट को जैसा हाल कर रखा है हमने टेबल का। सो डेलाइट में हम क्रॉस करने वाले हैं कोडरमा, वही है हमारा नेक्स्ट टारगेट। तो फटाफट अब चलते हैं विदाउट डिले राइड करते हैं स्टार्ट महादेव का नाम लेकर, हर हर महादेव। हम
मेंटर कर गए धनबाद, इसीलिए लगा लिया है इंस्टा 360 क्योंकि इधर पे नज़ारे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं अपने को। ले रहे हैं नया रूट क्योंकि स्ट्रेट वाला जो रूट था ना वो 43 मिनट स्लोअर बता रहा है। 157 किलोमीटर है कोडरमा। तो गाइस नज़ारा कुछ ऐसा है और रास्ता कुछ ऐसा है, यही होती है दिक्कत अगर आप रात को ट्रैवल करते हो इस रोड से। सही हाथी वाती का भी बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है, मतलब ये क्रॉसिंग जोन है। नेपाल जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कोलकाता। क्या नाम हुआ? आकाश जायसवाल। सब घूमते इसी चल जाए। 15 दिन के लिए जा रहे हैं। ठीक है। ये चेक पॉइंट आया, मैं समझ गया कोडरमा खत्म। जीपीएस में रक्सौल अभी भी 8 hours 33 minutes, 2.5 घंटा तक और हम लोग ड्राइव करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टे ले लेंगे। तो हम स्टे करने वाले हैं जम्मू में। ये जो आप मेरे राइट हैंड साइड का जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, और 2 दिन के बाद आने वाले हैं मोदी जी। इलेक्शन भी है तो बस वही इलेक्शन का प्रचार ही समझो। नेपाल। अच्छा बाइक 212 में टेलीफोन नहीं है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। और नहीं, और मच्छर नहीं, मच्छर वाला ऑल आउट नहीं तो रहने दो फिर। अच्छा कमोड वाला कोई कमरा नहीं है उसमें, ये है हमको दिक्कत होता है। तू समझा? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दिस इज डे 2 इन बिहार। अभी हम लोग बिहार में जहाँ रुके हैं, ये जगह का नाम है जमुई। कल रात को डिटेल में आपको उतना कुछ नहीं बता पाए क्योंकि एक तो थोड़ा बॉडी टायर्ड था, इधर पे इतना जैम था कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोग कैलकाटा से जमुई तक के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में हमें पता चला कि जमुई में नेक्स्ट 2 डेज में ना इधर मोदी जी आने वाले हैं। इधर इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है ना, बाहर में कुछ लोग बैठे हुए। परसों जो समारोह होने वाला है मोदी जी का, उसके लिए लोग आए हुए। हमारा अटायर देख के क्या बता रहे, पता है ये लोग बॉम्ब स्क्वाड वाले। अभी ये चीज मैं सौरभ को बताऊंगा, सौरभ वाले कहाँ से दिख रहे हैं लोग बॉम्ब स्क्वाड वाले, बताओ यार। दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, आप ओनर है ना? नहीं नहीं, ऐसा चाहिए मुझे। सो हम लोग जहाँ पे स्टे कर रहे थे होटल निर्मला, यहाँ के जीएम, हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी है गाइस। अकोमोडेशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आया, फूडिंग वगैरह भी बहुत अच्छा था। इनफैक्ट हमने लेट चेकआउट करा, उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज वार्ज करा नहीं इन्होंने। सबसे बड़ी बात है बाइक की सेफ्टी भी है, बाहर सीसीटीवी कैमरा है, एवरीथिंग मिल जाएगा। आने वाले 2 दिन में जो भी मोदी जी का समारोह होने वाला है, मैक्सिमम जितने भी पॉलिटिशियंस हैं पार्टी के कार्यकर्ता लोग सब इसी प्रॉपर्टी पे आके स्टे कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कितनी जिम्मेदारी है सर के ऊपर में। वही है, डिटेल्स मैं मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, अगर कभी भी आप अगर जम्मू के साइड आ रहे हैं आप इधर स्टे करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। थैंक यू। बाहर गर्मी कम रही है, देखो उसके बाद भी कुछ ऐसा अटायर पे मैं हूँ, कुछ ऐसे अटायर पे हमारा सौरभ है, सब कुछ फिक्स्ड है। अब बैलक्लावा डालना है, हेलमेट को बस फिक्स करो, और भाई विदाउट डिले करते हैं राइट स्टार्ट महादेव का नाम लेकर। हर हर महादेव। और आज की हमारी टोटल जर्नी थी 317 किलोमीटर की, जो कवर करने में हमें करीब 8 घंटे का वक्त लगने वाला था। काफी एक्साइटेड थे हम, फाइनली आज हम एंटर कर जाएंगे नेपाल। सो फ्यूल अप हो गया, सबसे मजेदार वाली बात है गाइस, और 2 किलोमीटर के बाद मेरा बाइक 20,000 किलोमीटर टच करेगा। जब भी आप रोड पे चलो ना, इनसे थोड़ा बच के। हाँ मेरे फ्रेंड के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब हम लोग इंडिया राइड पे थे, और वो मेरी सीरीज अब तक अधूरी है। वो इंसिडेंट के बारे में कभी आराम से 1 मिनट में मैं बताऊंगा आपको। मैं क्या, मेरा फ्रेंड ही आपको एक्सप्लेन करेगा। तो जब भी आप हाईवेज में ड्राइव करो ना, तो थोड़ा सा स्पीड लिमिट भाई कंट्रोल में रखो। क्या सीन है देख रहे हो, पूरा रोड गार्ड कर लिया, और जो लेकर जा रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम रुके हैं ब्रेक के लिए, किलोमीटर देख लो
140 किलोमीटर हम लोग नॉन स्टॉप अपनी ये बाइक चलाए है और बस एक 175 रह गया लेफ्ट। सुबह एक वाक्य बताए थे, कल रात को भी एक वाक्य हुआ था, वो नहीं बताए, लेकिन मॉर्निंग में जब होटल से निकल रहे थे ना, मैंने आपको बताया था ना, जो होटल के गेस्ट थे उनको लग रहा था कि हम बम स्क्वाड वाले हैं। हम रुके थे गन्ने का जूस पीने के लिए, अभी अंकल ने एक बात बोली, वो क्या बोले अंकल बताएंगे, अंकल बताइए। अंकल कह रहे हैं कि हमें देखकर औरों को लग रहा है ना कि हम इधर चेकिंग के लिए रुके हुए हैं, तो कोई भी कस्टमर मतलब जो ग्राहक जिनको पीना होना है वो इधर डर से रुक नहीं रहे भाई साहब। और क्या क्या हमें टैग मिलने वाला है हमें नहीं पता, इनका धंधा मंदा नहीं करेंगे। अब अभी हम लोग निकल रहे हैं गाइस, जितना टाइम मेकअप किए थे वापस से वही टाइम पे आके अटक गए, कोई नहीं, ब्रेक भी जरूरी था, ब्रेक ले लिए। अब राइड स्टार्ट करते हैं महादेव का नाम लेकर, हर हर महादेव। Don't you cry, 'cause you know, little sad eyes, love will come, love will go, but when you're strong. हम एंटर कर चुके हैं रक्सौल, ये देखो मिलने कौन है हमसे, नंदू। ज्यादा नहीं, 6 महीने हुआ है उस राइड को, भाई हमें मिला था बीरगंज बॉर्डर पे, इसका यूट्यूब चैनल भी है नंदू शरफ के नाम से, मेंशन कर दूंगा गाइस, इस बार भी थोड़ा प्यार बरसा देना। हम लोग के दशहरा टाइम में थे ना, हां दशहरा के टाइम में, उस समय लाइट भी नहीं थी ना, लाइट भी नहीं थी। नंदू ने मेरे को रेफरेंस दिया था जहाँ से करेंसी एक्सचेंज वगैरह कराना चाहिए, हम लोग तो एंटर कर चुके थे नेपाल के साइड, उसी से हम लोग फिर हम लोग नंबर वाले लोग तो हाँ, तो नंदू अपने को ये बताया कि भाई भैया से बात करते हैं, पिछले 6 महीने से कनेक्टेड है हम लोग। हाँ 6 महीने से, तो अभी करेंसी वगैरह एक्सचेंज कराना है भैया के पास से। पिछले बार एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, हम लोग करेंसी एक्सचेंज करवाए थे वो जहाँ पे बाइक रखी हुई थी वहाँ से, बट इस बार एकदम प्रॉपर जगह पे आया है करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, जहाँ पे नंदू अपने को भैया था। ये है विशाल भैया, विशाल भैया का नाम है। तो इंडिया से भाई जो लोग नेपाल घूमने आते हो बाहर से, तो यहाँ पे आइएगा। एग्जैक्टली, और ये लोकेशन यहाँ पे ढाला है, देखिए क्रेट यहाँ पे ढाला है ना, हाँ यहाँ पे ढाला है, हाँ ध्यान रखना। और जब भी कैलकाटा से ट्रैवल करते हो या कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो, करेंसी अगर आपको एक्सचेंज करानी है तो बेस्ट फिट मिल जाएगा, और ज्यादा होगा तो हमारे नंदू भाई का रेफरेंस ले लेना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा भाई लोग आराम से ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, यू नेवर आस्क व्हाई, बट कैन यू लर्न टू लव योर वीकेस्ट साइड, लिटिल सैड आईज। आगे स्ट्रेट निकलना है, स्ट्रेट से लेफ्ट हैंड साइड लेने पे वंसार ऑफिस मिलेगा। क्या हुआ? हेलो सर, उस वाले ऑफिस में तो हमारा पुलिस का है। कोई नहीं है उधर, एक्चुअली हमारा ना एक दोस्त है जो कि हमें यहाँ तक छोड़ने आना चाहता है, लेकिन किसी से बात करके आए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं है कोई, हम लोग आवाज भी मारे तो नहीं है, आप अगर परमिशन देंगे तो हम बुला लेंगे, खाली वो यहाँ तक हमें छोड़कर चल जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, ये कोनो दिगदारी नहीं है, खाली यहाँ तक हमें छोड़ेगा, एक तो फोटो ले, रुकिए मैं बुला दे। हम लोग सर कोलकाता बंगाल, आ जाओ नंदू आ जाओ, हमारे नंदू भाई आ रहे हैं फाइनली इधर। क्या उनसे एकदम भाई, थोड़ी सी लाइट की इशू है, मेरे पीछे का आपको व्यू देख रहा है, जैसे शंकराचार्य गेट। अभी हम लोग है बीरगंज में, आगे जाके हम लोग बनाने वाले हैं बाइक का वंसार। सो गाइस अभी हम एंटर कर रहे हैं वंसार ऑफिस, और वंसार ऑफिस के लिए हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट। बना लेंगे भैया डायरेक्ट, अब डायरेक्टली जाके वंसार इशू करो, कोई जरूरत नहीं है इनको एक्स्ट्रा पैसे देके वंसार इशू करवाने की। वंसार इशू कराने के लिए सिर्फ आपके व्हीकल का ओरिजिनल आरसी कॉपी का ही रिक्वायरमेंट है, और आपका खुद का एक आईडी प्रूफ। कोलकाता आइए सर, नोएडा हाँ दिल्ली में, हाँ देख लीजिए सर, रेन कवर बाकी सब सब टूल की नहीं, ये हेलमेट साफ करने वाली है, नीचे मोबाइल है, ठीक है। ये है नेपाल कस्टम्स, अच्छे से चेकिंग वेकिंग करता है ये लोग। हाँ सर, इसके अंदर तेल है सर, पेट्रोल सर, इसमें 5 लीटर और उसमें 5 लीटर, टोटल 10 लीटर।
हर महादेव। सर चेकिंग हो गया पीछे? क्या चीज है? कपड़े वगैरह सर। मुक्तिनाथ जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं अभी? कोलकाता। After completing a 2 days journey from India and fulfilling all the formalities by the Nepal's government, we finally entered Nepal and now we are heading to Bivik Bhai House. नेपाल का स्वागत सच में यादगार था, पर फिर 10 दिन बाद ऐसा होगा जो मैंने कभी सोचा नहीं था। इस मोमेंट को सही से लिखना ज़रूरी है क्योंकि मेरे कल को मैं नहीं भूलना चाहता।